ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं हाउस में नहीं था और मेरे एक बयान पे असद कैसर साहब ने तकरीर की, मैं उनका एहतराम करता हूँ। चार साल इस हाउस के स्पीकर रहे और बाय एंड लार्ज जो है मेरे साथ उनका ताल्लुक जो है बड़ा खुशगवार रहा, बावजूद इस बात के कि हाउस में उस वक्त बड़ी कशीदगी थी। आप ही इस बात के गवाह हैं। मैंने आज से दो रोज़ कबल कहा कि अफ़गानिस्तान से, जनाब डिप्टी स्पीकर, अफ़गानिस्तान से हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे एक बरादर मुल्क और हमसाये की सरजमीन जो है पाकिस्तान में खून रेजी के लिए, दहशतगर्दी के लिए और तबाही के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही कि अगर वहाँ पे दहशतगर्दी वहाँ से एक्सपोर्ट होती रही, वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास, तो हम भी रिटेलिएटरी जो है अटैक्स वहाँ पे करेंगे। हमें ये हक पहुँचता है कि जहाँ पे हमारे दुश्मन जो है वो पनाह गाहें बैठ के बना के बैठे हों, तो हम अंदर जाके उन पनाह गाहों को, अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे हमसाये उसको तबाह नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारे हिफाजत के लिए, अपनी आवाम की हिफाजत के लिए, केपी की आवाम की हिफाजत के लिए, बलोचिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए, बाकी पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए हमें ये हक पहुँचता है कि हम रिटेलिएट करें। अगर दहशतगर्दी वहाँ पर नहीं होती, हम दोनों हमसाये जो हैं अगर एक बरादराना माहौल में रहना चाहते हैं, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ये बात जाके मैंने खुद काबुल में जाके उनको रिक्वेस्ट की थी, उन दरख्वास्त की थी, एक डेलीगेशन लेके गया था कि हमारे ताल्लुकात अच्छा होना इस सारे रीजन के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी, एक अच्छा शगुन होगा। लेकिन ये दहशतगर्दी में जब तेज़ी आई है, तो मेरी दरख्वास्त है असद कैसर साहब से और सब लोगों से कि इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें। ये पाकिस्तानी खून का मामला है, हमारे फौजियों की, हमारी पैरामिलिट्री की, हमारे सिविलियंस के खून का मामला है। शहादतें हो रही हैं, जाने जो है हमारी जो है ज़ाया हो रही हैं, यहाँ पे हमारी इकोनॉमी जो है इफेक्ट हो रही है, और उसके बाद ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे जो है, इनके बयानात इस बात को करते हैं। जनाबे डिप्टी स्पीकर, जनाबे डिप्टी स्पीकर, तालिबान के साथ इनके रवाबत हैं, तालिबान के खिलाफ साथ इनके रवाबत हैं। उनको ओहदे ये ऑफर करते रहे, 6000 बंदा वहां से लेके तालिब जो था टीटीपी के यहां लेके आए। थैंक यू वेरी मच सर। जनाब मैंने जो कहना था मैंने कह लिया। शाहिद साहब, परवेज साहब, ये बिजनेस ले लें, फिर आपको मौका देते हैं, बिजनेस ले लें। शाहिद साहब परवेज साहब, आपका माइक खुला हुआ है। द हाउस टेकिंग नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान adopted on June 25, 2024 in the United States of House of Representatives, recognizing the United States of America as an important and valued partner, recalling the spirit of the Constitution of Pakistan 1973 and affirming commitment to upholding the universal norms of democracy and fundamental human rights enshrined in it, reiterating Pakistan's efforts to safeguard and uphold the aforementioned principles in letter and spirit, in line with the aspirations of our people and the vision of our founding fathers.
reaffirming Pakistan's commitment to building a strong and stable democratic society, the House deeply regrets that the subject resolution clearly reflects an incomplete and wrong understanding of the political and electoral process of Pakistan. The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state. The resolution draws attention of the U.S. Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. The House calls upon the U.S. and the world community to take immediate steps to alleviate the sufferings of the innocent people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The House encourages and affirms its commitment to strong and cooperative bilateral relations with the United States based on mutual respect and sovereign equality, and expresses the hope that in future the U.S. Congress will play a more constructive role in strengthening Pakistan-U.S. bilateral relations by focusing on avenues of collaboration for mutual benefit of both our people and countries. The House calls upon the government of Pakistan to strengthen bilateral cooperation with the United States by enhancing channels of our communications to allay such misperceptions and work towards a harmonious relationship for the progress and prosperity of the people of both countries. Janab Deputy Speaker, I know this is not a binding paper, but hamare mulk ke andruni mamlaat mein jis tarah ki mudakhalat hai wo gair munasib hai, aur ye kisi surat bhi aalmi taaqaton ko zeb nahi deti ki wo kisi bhi mulk ke andruni mamlaat mein dakhal andazi kare. Adopted. All those in a favorite may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Shaista Parvez Sahiba. Shaista Parvez Sahiba. Bole. चाहिए